आगे है ना आपके साथ साथ रेडियो आवाज FM 106 खानपुर का लाइव स्टूडियो और मैं आपका मेजबान जाहिद अमीद और आप तमाम सब दोस्त है ना वही जो थे हमारे साथ साथ और टाइम हुआ ना 5:50। अरे 5:50 हो गए रे भैया, कहाँ सोए पड़े हो, जाग जाओ ना, जाग जाओ ना, कुछ होश पकड़ो। वेरी वेरी गुड हो गया जी, दिल चोरी साडा हो गया, हुण की करिए की करिए। आहो जी दिल चोरी साडा हो गया, वाई करिए की करिए। FM खानपुर से मैं जना ब्राहिरास आपके साथ मुखातिब हूँ और आप जहाँ कहीं से भी हैं, अरे आइए ना हमारे साथ, आज के दिन चंद घड़ियों का बनिए ना हमारे मेहमान और बताइए क्या खिलाएंगे हमें, क्या पिलाएंगे हमें। ढूंढता हूँ मैं भी देव मकवारा। आहो जी आप तमाम तारे दोस्त इसी तरह से हमारे साथ साथ रहेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे ना और फिर हम भी आपके साथ हम मजे करेंगे। आज के दिन में मैंने जी आपसे एक सवाल पूछ डाला था, सवाल मैंने पूछा आपसे कि आप बता दियो मनु कि आप जब बोर होते हो क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ सोते हो। बंदा कहता है कि हम बहुत ज्यादा सोते हैं और कोई कहता है हम बहुत ज्यादा खाते हैं और कोई कहता है कि हम कहीं आउटिंग पर चले जाते हैं और कोई बोलता है कि जनाब हम फिर गाने सुनते हैं, तो फिर कोई कहता है कि गाने वाने तो हम नहीं सुनते हैं, कि हम तो जनाब फिर लंबी सारी मूवी लगा के देखते हैं कि जो सैड कुन हो गए। अरे सैड कुन मूवी पहले सैड हो गए फिर सैड कुन मूवी लगा के क्या, फिर क्या किसको याद करते हो जी, खुद को मारने का इरादा होया क्या। अबू धाबी दिखा रहे हैं कि जनाब हमें एक गाना सुना दे, दिल तो पागल है दीवाना है पगला है। अरे पागल दीवाना पगला है तो फिर क्या हो गया, छोड़ना उसको, पागल रहने दो, आप तो ठीक ठाक तंदुरुस्त हो ना माशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे। अरे जनाब हम अब थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, क्या याद करेंगे, हमने तुमसे कई बार बोला कि पगले हमसे कभी भी दूर मत जाना, तुम कभी कभी हमसे बहुत दूर चली जाती हो और जब तुम हमसे दूर चली जाती हो तो हम टूट जाते हैं और हम बिखर जाते हैं। फिर अरसे दराज के बाद तुम लौट कर फिर वापस क्यों कर आ जाती हो, फिर से वो जख्म ताजा क्यों कर जाती हो, क्योंकि तुम्हें इस चीज का एहसास है कि जब भी तुम हमारे सामने आती हो तो हम अपने माजी को भूल जाते हैं, तुमसे जुड़े हर जख्म को हम भूल जाते हैं, लेकिन तुम जब अरसे दराज के बाद हमारे सामने आती हो तो हम फिर से खिल से जाते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि तुम जब कभी भी लौट कर वापस अरसे दराज के बाद हमारे सामने आती हो तो फिर हमें रुला जाती हो। हम यही महसूस करते हैं कि तुम हमारे लिए आई हो, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है कि तुम हमारे संग कुछ पल गुजारने के लिए आई हो। ये कब सोचा हमने कि तुम हमें पल पल रुलाने के लिए लौट कर वापस आई हो, क्यों कर नहीं सोचते हम ये, क्यों कर ये नहीं जान पाते हम, और फिर से उसी वहमो गुमान का शिकार होकर तुम्हारी ही तरफ लपकते चले जाते हैं। और फिर होता वही कुछ है कि तुमने जैसे हमारे खतों कताबत का चिकना चूर किया था, हमारे दिल को टुकड़े टुकड़े कर डाला था, तो वही फिर से सिलसिला रिपीट हो जाता है
हम उसी तरह से टूट जाते हैं, हम उसी तरह से बिखर जाते हैं। अरे वो पगली, तुम आती हो आकर चली जाती हो, लेकिन तुम्हें कभी इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि हम भी दिल रखते हैं। इंसान दिल रखता है तो वो दिल बहुत ही नर्म मुलायम और नाजुक सा होता है। कभी इस चीज को जाना, कभी इस चीज पे गौर किया होता तो पगली तुम हमें छोड़कर कभी भी दूर ना जाती। अगर हम तुम्हारी मोहब्बत का गिला शिकवा करें तो ये हमारी मोहब्बत की तोहीन होगी, जो हम नहीं चाहते हैं। अरे पगली, जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं वो कभी भी अपने महबूब को रुसवा नहीं करते हैं। अरे तुमने हमसे मोहब्बत की या ना की, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमने तुमसे मोहब्बत की, दिलो जान से की, और हर तरह के अरमां लेकर तुम हमें अधूरा छोड़ चली जाती हो। कभी तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा, कभी तो तुम्हें ये बात महसूस होगी कि हम तो जीते हैं फकत तेरी मोहब्बत के लिए, वरना हमको इस जहां से कोई दिलचस्पी नहीं है। काश कि पगली तुमने मुझे कभी ख्वाबों में देखा हो, ख्वाबों में तुमने कभी मुझे महसूस किया हो, तो तुम्हें मेरी तड़प का एहसास हो, मेरे एहसासात, मेरे जज्बात तुम्हें पल पल तड़पाए, तो फिर तुम्हें एहसास हो कि कभी सच्चा प्यार क्या होता है। फिर भी मेरी दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, हंसती रहो और जिंदगी को जीती रहो, और हम ऐसे ही रोते रहेंगे, कुरलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि हम तुम बिन जीना सीख जाएंगे, कि शायद कि हम तब जीना सीखें कि जब हमारी जिंदगी का अख्तिताम हो जाए। और पगली, जब एक इंसान जिंदगी को यहां से खत्म करके चला जाता है तो वो लौट कर नहीं आता, ये तो हम जान चुके हैं कि मोहब्बत में बिछड़ना भी जरूरी है और मिलना भी जरूरी है। तमाम तर दोस्त, आवाज़ पाकिस्तान, आवाज़ एफएम 106 खानपुर के लाइव स्टूडियो से जाहिद अमीद के साथ मौजूद हैं, और मैं आपके साथ मुखातिब हूँ आपके अपने प्रोग्राम हाईवे ड्राइव टाइम में। 5:57 हुए चाहते हैं, 6 बजे तक आपका और हमारा साथ था। ऑन द वे रोड पर सफर करते हुए आप तमाम तर दोस्त हमारे साथ साथ मौजूद हैं। आज के दिन में आपके साथ हमारी मुलाकात का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, और आप तमाम तर दोस्त आवाज़ पाकिस्तान, आवाज़ एफएम 106 खानपुर की पूरी ट्रांसमिशन सुनते रहेंगे, जो दो रात को देर तक आपके साथ मौजूद रहेगी। आप अपनी मोहब्बतों का फीडबैक भी हमें फेसबुक के जरिए दे सकते हैं। आप फेसबुक पर आकर जनाब जाहिद अमीद की आईडी को फॉलो कीजिएगा और वहीं पर आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेब पेज आकर www.radio.com.bk के विजिट कीजिएगा, और हमारा रेडियो आवाज का ऑफिशियल पेज फेसबुक है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, और रेडियो आवाज का ऑफिशियल पेज को जनाब आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए, एंड देन इंस्टॉल करने के बाद हमारी होल ऑफ ट्रांसमिशन आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोज, इट्स द लार्जेस्ट आवाज ग्रुप ऑफ रेडियोज इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एंड ओवरऑल वर्ल्ड। जरूर आप रेडियो आवाज से मोहब्बत करें, हम मोहब्बत लेकर आपके साथ हाजिर होते हैं। जिंदगी ने की वफा और वक्त ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जाहिद अमीद और रेडियो आवाज की पूरी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। फाइनली अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।